सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय कराए शिरवलता बोल साचे दरबार की जय। सावन में शिव और पार्वती के जितने उपाय आपने किए थे, आज आप कर सकते हैं। कात्यायनी देवी का छठा नवरात्रा, सबसे पहले अपने घर को जोड़ने के लिए थोड़ी हिम्मत करिए, शाम को कर लीजिए उपाय, क्योंकि ये उपाय करने के लिए आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास व्यवस्था है तो भी कर लीजिए। सारे शिव परिवार को जोड़ने के लिए एक माला बनाइए, जिसकी माला पूरे शिव परिवार पर एक साथ जुड़ा रहे परिवार, ऐसे कर कर अर्पण करिए। वो पार्वती माँ शिव की पूरी गोल बड़ी सी माला होगी, वो अर्पण करिए। लेकिन अगर अपने पति को, अभी अभी आपकी शादी हुई है या आप किसी लव अफेयर में हैं, या आपको अपने पति को सिर्फ अपनी तरफ जोड़ना है, तो एक माला जिसमें शिव और पार्वती दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ये मैंने आपसे सावन में भी उपाय करवाया था, अगर आपको याद हो तो। वही हुए ये उपाय ज़रूर करना है। कमेंट्स में जय माता दी, मच्छर बहुत हो रहे हैं, और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप जीवन में हमेशा खुश रहें, सफल रहें, और आप भगवान का शुक्राना करते रहिए। बिल्कुल मत भूलिए आज मंगलवार है, और बड़ा मंगलवार है, क्योंकि अगर वो नवरात्रों का मंगलवार है तो बड़ा है। माचिस की डब्बी रख कर आने, ताकि आने वाली दिवाली पर, दिवाली थोड़ी भारी है, अग्निकांड अग्नि घटनाएँ ये हमें सुनने के लिए ज़रा कम मिलें, और हमारा परिवार इससे बचा रहे, तो माचिस का एक बॉक्स मंदिर में ज़रूर रख कर आइएगा। मंगल अच्छा हो जाएगा, जैसी भी कंडीशंस में आपको नुकसान नहीं देगा, और एक्सीडेंट से भी आपका बचाव होगा। गाय को गुड़ खिलाइए। सबसे बड़ी बात, आज मंगला गौरी का भी दिन होता है, तो माँ को, कात्यायनी माँ को सिंदूर अर्पण करिए। आज मेरा टीवी पे शो नहीं आएगा, क्योंकि आज हरियाणा के इलेक्शन का रिजल्ट है। ओए होए, जय माता।